आज हम हैं गांधी प्रतिमा के नीचे टाउन हॉल मैदान पे और यहाँ जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से चल रहा है। जो पुलिस और डॉक्टरों को लेकर विवाद हुआ था, काफ़ी अखबारों ने भी इसको छापा और वो बहुत जोश खरोश के साथ लोग जो है इस धरना प्रदर्शन में जुड़े हैं। क्या मामला है, आइए जानते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह, MLC हूँ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 17 जिले और 5 मंडल हैं। मामला यह है कि सिपाही पंकज कुमार अपनी पत्नी को दिखाने गया था। उसने डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की फीस 1100 लिया। सिपाही ने आपत्ति व्यक्त किया कि हमारे जिले में 800 लिया जाता है। इस पर डॉक्टर उत्तेजित होकर पीट दिया उसको। सिपाही ने तहरीर दिया, कैंट पुलिस लिखी नहीं। 4 अक्टूबर को सिपाही गया अपनी पत्नी का आधार कार्ड और पर्चा लेने, तो डॉक्टर के गुंडों ने बरामदे में ही घेर कर मार कर लाउड वाहन करके गिरा दिया। डॉक्टर के इशारे पर हुआ, डॉक्टर देख रहा था, कैमरे से फिर डॉक्टर निकला, लोहे की रात से तब तक पीटा जब तक कि सिपाही पंकज कुमार बेहोश हो गया। उसकी हत्या की पूरी कोशिश किया डॉक्टर दंपति ने, गुंडों ने। फिर उसकी बीवी आई, घसीट के ले गई और उसको नंगा कर दी, बंडी चड्डी भी उतरवा पीटी। ये तो हैवानियत की पराकाष्ठा है। सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिलना चाहिए, उसकी तहरीर पर FIR लिखी जानी चाहिए, सिपाही की पत्नी की तहरीर पर FIR लिखी जानी चाहिए, कसाई डॉक्टर दंपति और उसके गुंडे दे देने चाहिए। इसको लेकर हम उपवास पर बैठे हैं। क्या लगता है आपको कि क्यों अब तक मामला जो है दर्ज नहीं किया गया सिपाही की तरफ? देखिए, पंकज कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। एक पीड़ित ऐसा समाज में आज के डेट में दिख रहा है, तमाम लोग पीड़ित रहे, जिसके लिए इन लोगों को अपनी आवाज़ नहीं उठा पाया। मीडिया और तमाम साथियों का धन्यवाद जिन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और पंकज की पत्नी हम लोगों से पीड़ित कहीं मिली। आपने देखा जिस हैवानियत से पंकज को पीटा गया, भारतीय दंड संहिता में न्याय की व्यवस्था है। न्याय में जब दोनों पक्ष, उनका जो कहना है कि उनको चोट लगी, पंकज के शरीर पे 2 जगह टाके लगे हैं और उसके शरीर पे दर्जनों घाव के निशान हैं और इसी गोरखपुर के कैंट थाने ने उसका 3 तारीख को भी मुलाजिया कराया और 4 को भी मुलाजिया कराया। तो जब अगले का मुलाजा हुआ है तो पंकज कुमार की FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही है, जबकि डॉक्टर ने जो आरोप लगाया उसके पास कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। डॉक्टर ने कह रहा मुझे चेम्बर में मारा और आप ही के CCTV से पूरे परिसर में पंकज कुमार को दौड़ा दौड़ा के लाठी से, राड से, हेलमेट तक से पीटा जा रहा है। आखिर एक पीड़ित की FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? यहाँ मामला डॉक्टर और आम आदमी के मरीज का नहीं, यहाँ मामला आम जनमानस का है। क्या करेंगे आगे अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो? देखिए, हमारी तो पहली यही मांग है कि जो एक सामान्य प्रक्रिया है FIR दर्ज होने की, उसका पालन हो। फिर भी जैसा अभी तक आप देख रहे हैं कि 10 दिन बीतने को है और अभी तक प्रशासन को जू नहीं रहेंगी और जो वास्तविक पीड़ित है पंकज, उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं है, ना कि उसकी तहरीर पर, ना कि उसकी धर्मपत्नी के तहरीर पर। तो न्यायालय की एक अपनी प्रक्रिया है जिसको सामान्य भाषा में आज तक जनमानस 156(3) के नाम से जानता था, जिसको अब 173(4) हो चुका है नई प्रक्रिया के तहत। तो हम अधिवक्ता समाज जो कि स्वप्रेरणा से पीड़ित के साथ हैं, किसी ने हम लोगों को वो नहीं किया, लेकिन अधिवक्ता का ज्यादा कर्तव्य है, सामान्य नागरिकों से ज्यादा कर्तव्य हम अधिवक्ताओं का है कि हम पीड़ितों के साथ रहें और न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और पंकज का मुकदमा हर हाल में दर्ज होगा। सिपाही पंकज एक अस्पताल में जाता है इलाज के लिए और उससे जो है ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं जांच के लिए और उस पर वो सवाल उठाता है, तो उसको जो है डॉक्टरों के लोगों ने पीट दिया, ऐसा इनका आरोप है। और अभी जो है पंकज जो सिपाही है वो जेल में है और उसके तरफ से कोई FIR दर्ज अभी नहीं की गई है।